शराब से लेकर क्लासरूम घोटाले तक के मामले में फंसे केजरीवाल की छवि बुरी तरह से खराब हो चुकी है इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर दिखने लगा है केजरीवाल पर ईडी अपना शिकंजा कसती जा रही है और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर पांच ऐसे वीडियोस सामने आए जिसने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी इन पांचों वीडियोस को देखकर आम आदमी पार्टी में इतनी खलबली मची कि पार्टी दौड़ी दौड़ी चुनाव आयोग के दरवाजे पर जा पहुंची इन वीडियोस को लेकर बीजेपी की शिकायत कर डाली राघव चड्डा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की राघव चड्डा ने कहा कि बीजेपी फालतू की सामग्रियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है वो लोग चरित्र हनन करना चाहते हैं हमने चुनाव आयोग से इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा है चुनाव आयोग से हुई मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने कहा हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है चुनाव आयोग हमारी शिकायत पर संज्ञान लेगा और फिर जांच भी करवाएगा ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है इसके अलावा आई एक्ट पर भी उल्लंघन है आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जांच की मांग की है आम आदमी पार्टी ने नवंबर महीने में बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया पांच वीडियोस के जरिए अरविंद केजरीवाल का मजाक बनाया आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन किया गया कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट की सीडी सबूत के तौर पर सौंपी चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल के नतीजों को जारी करने पर पाबंदी लगा दी है ये प्रतिबंध तीस नवंबर की रात साढ़े बारह बजे तक जारी रहेगा सभी पांच राज्यों में मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी अपील आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की वो बीजेपी के खिलाफ एक्शन लें राजनीति में कुछ मर्यादा होनी चाहिए बीजेपी से आग्रह है कि लोगों के चरित्र का हनन रोके केजरीवाल से लड़ना है तो चुनाव मैदान में लड़े कानून की धाराओं के साथ आयोग को बताया है कौन सी धाराओं का उल्लंघन बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया निश्चिंत है कि चुनाव आयोग एक्शन लेगा The Report, News of India.